मैच में से किसी दो ने बराबर बोले हैं, बराबर बोले हैं, ठीक है। महिंद्रा 577 ले आई फोर व्हील, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है ये, डीसी सेंस के साथ ये ट्रैक्टर है, 45 एचपी की कैटेगरी के ट्रैक्टर है ये। इस वीडियो में मैं इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा, स्पेसिफिकेशन कैसा, क्या ट्रैक्टर है, क्या क्या इसके अंदर है, क्या क्या कलर्स में वीडियो का सारी डिटेल्स बताऊंगा। जैसा कि हमें कंप्लीट लगा हुआ है यहाँ पे, और इसमें कंपनी ने अपने सारे ट्रैक्टरों की डिटेल्स बताई है, 265 DI HP और मॉडल नंबर और HP, जैसा कि 575 DI 45 HP के साथ ये ट्रैक्टर है पूरा पूरा, और डिज़ाइन वाइज सिंगल पीस में दिया है, डिज़ाइन इसका एकदम डिफरेंट डिज़ाइन है, चेंज है लगभग इसके अंदर ऑलमोस्ट पूरा, और ये इधर अगर हम इसको बोल सेम नंबर है लास्ट वाला सेम नंबर, आप एक बटन से प्रेस करके इसको इजीली पूरे बोनट को आराम से आप ओपन कर सकते हो जाता है। अगर हम इसके पंप की बात करें तो ये बोस कंपनी का इनलाइन पंप है, 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है ये पूरा पूरा, 45 एचपी की कैटेगरी में ट्रैक्टर है, 4 सिलेंडर, 1, 2, 3, 4 सिलेंडर है इसके, और जैसा कि डीजी सेंस लिखा हुआ है, डीजी सेंस का मतलब ये है कि आपका ट्रैक्टर पूरा पूरा ट्रैक्टर आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा एक ऐप के द्वारा, और आप अपने ट्रैक्टर को कि हर एक्टिविटी कितने घंटे चला है, कितनी देर स्टार्ट रहा, कितनी देर बंद रहा, कितना क्या है, सारी डिटेल्स आपको कौन से ट्रैक्टर में, ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी आ जाए आपके मोबाइल में अपडेट करेगा मैसेज के द्वारा, आप खोल के भी ओपन कर सकते हो, कब सर्विस होनी है, सर्विस ड्यू है या सर्विस आने वाली है, कितना क्या, सारी डिटेल्स आपके मोबाइल पर वो एक्टिवेट करेगा, जो कि डीजी सेंस जो लगा हुआ है, डीजी सेंसर जो है ये पूरा आपका ये यहाँ लगा हुआ है, जो पूरे ट्रैक्टर की एक एक एक्टिविटी को आपके मोबाइल पे भेजता रहेगा, और अपनी सारी ट्रैक्टर की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। अगर हम इसके डीजल ऑयल टैंक की बात करें तो ये फाइबर डीजल ऑयल टैंक है, फाइबर का बनाया है डीजल ऑयल टैंक, और ये इधर रिजर्व मेन, और आप अपने तेल को बंद भी कर सकते हो, डीजल ऑयल को बंद भी कर सकते हो। इसके बाद ये पंप में जाता है, पंप के बाद यहाँ से आप हवा निकाल सकते हो अपने पंप की तेल खत्म होने के बाद, और इधर ये दो बड़े काफ़ी डीजल ऑयल फिल्टर भी दिए हैं। अगर हम इसके एयर क्लीनर की बात करें तो ड्राई एयर क्लीनर है, काफ़ी अच्छा एयर क्लीनर, ड्राई के साथ ड्राई एयर क्लीनर, इधर ये कूलेंट बोतल दी है, और जो रेडिएटर है, रेडिएटर के आगे एक जाली लगाई है ताकि आपके ट्रैक्टर के रेडिएटर पे कम से कम डस्ट जाए, और क्लीन साफ करते टाइम आपके रेडिएटर को डैमेज होने के चांस लगभग खत्म हो जाते हैं, लामात्र रह जाते हैं। आगे हॉर्न दिया है इधर ये, और अगर हम इसके हुड की बात, जैसा कि अब हुड नीचे कर दिए, नीचे कर दो इसको, एक आता है लोकप्रिय आइटम उत्पादकों में से एक का अंग होने के अलावा बड़े बड़ा बड़ा फीचर परेशानी के काम और कम संचालन खर्च 415 और इधर कंपनी ने ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग पंप, इधर ये हाइड्रोलिक पंप, सॉरी ये हाइड्रोलिक पंप, ये सॉरी ये पावर स्टीयरिंग पंप और ये हाइड्रोलिक पंप है, जो कि आपके और इधर हाइड्रोलिक पंप के लिए पीछे फिल्टर भी लगा हुआ है, ये काफ़ी बड़ा फिल्टर लगा हुआ है यहाँ नीचे, ये काफ़ी हाइड्रोलिक फिल्टर है, काफ़ी बड़ा फिल्टर है, जो कि आपके हाइड्रोलिक तेल को साफ करके प्रॉपर यूज़ करेगा, इसलिए यूज़ करेगा, नहीं यूज़ करेगा। अगर हम इसके कंफर्ट की बात करें, जैसा कि डिज़ाइन आप देख रहे हो काफ़ी मस्त डिज़ाइन बनाया ट्रैक्टर का एकदम, अगर हम इसके कम्फर्ट की बात करें तो ऊपर चढ़ने के लिए कंपनी ने यहाँ पायदान दिया अलग से, जो प्लेटफॉर्म है लगभग इसका फ्लैट प्लेटफॉर्म है, और गियर बॉक्स से थोड़ा सा ऊपर दिया है ताकि आपके गियर बॉक्स की जो चलने पर जो गर्म हो जाता है, गियर बॉक्स के अंदर गिराइयाँ वगैरह गर्म हो जाती हैं, उनकी गर्मी आपके पैरों तक ना पहुंच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर ड्राइव कर सको। इधर ये ड्यूल क्लच के साथ में ट्रैक्टर है, और ये हाई लो मीडियम के साथ ये ट्रैक्टर दिया गया है, हाई लो मीडियम गियर में है ट्रैक्टर। और सीट की बात करें, सीट वेट के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे आप दोनों तरफ से एडजस्ट कर सकते हो इसके हाइट से। और अगर जैसा कि मैंने बताया था, गियर ये हाई लो मीडियम तीन गियर में है ये, और इसके साथ ये 4 गियर में वैसे है ये, तो ये 12 गियर के साथ ट्रैक्टर है पूरा पूरा।
अगर हम इसके डिजाइन की बात करें, स्टेयरिंग है काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग है लोगों के साथ में। जो मीटर है वो डिजिटल मीटर है, 2500 RPM के साथ ये ट्रैक्टर निकाला है। मीटर के अंदर भी इन्होंने डिजाइन दिया है, महिंद्रा कंपनी ने 975 के DI के अंदर, सॉरी यूआ 575 DI के अंदर काफ़ी चीज़ें डिफरेंशियल लोग है जी। और इधर ये हीटिंग के लिए और फ्यूल ऑयल पंप गैस पंप के साथ। और ये डिजिटल मीटर है, अगर आपके ट्रैक्टर में कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी दिक्कत आ जाती है तो यहाँ इंडिकेटर भी हो जाता है और डीजी सेंस के द्वारा आपके पास मैसेज भी पहुँचेगा। और उस ऐप को अगर आप खोल के देखो आपको प्रॉपर तरीके से बताएगा कि आपके ट्रैक्टर में कहाँ कौन सी क्या कमी है, सारी चीज़ें बताएगा ये डिजिटल के साथ। और ये इधर हैंड वाली रेस दी गई है ट्रैक्टर की, तो जब आप अपना आराम से हैंड रेस दे सकते हो। इधर ये लाइट हाई बीम लो बीम के लिए, ये ऑन ऑफ इंडिकेटर के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए हॉर्न के लिए, इधर ये स्टॉपिंग पॉइंट, और इधर ये चार्जिंग स्लॉट के साथ ये चार्जिंग पॉइंट है, नहीं सॉरी ये चार्जिंग पॉइंट है। इधर आप अपना मोबाइल चार्ज, इधर पॉकेट भी है छोटी सी जो कि आप अपने मोबाइल को इसके अंदर रख के चार्ज कर सकते हो। इसलिए पार्किंग के लिए दिया है इंडिकेटर, पार्किंग इंडिकेटर के लिए। अगर हम इसकी बात PTO की बात करें, ये रिवर्स PTO और फॉरवर्ड PTO दोनों PTO के साथ ये ट्रैक्टर है, ड्यूल क्लच में ये ट्रैक्टर रिवर्स और फॉरवर्ड PTO में। इधर ये फोर व्हील ड्राइव के लिए लीवर दिया है, अगर आपको इसको ऊपर का या पुश करके नीचे करोगे तो ये आप अपना ट्रैक्टर को आगे पीछे अगले टायरों में भी चाल दे सकते हो। और अगर हम इसके मुडगार्ड की बात करें, काफ़ी अच्छा डिजाइनिंग मुडगार्ड बनाया ताकि आप बैठने पर आपको थकावट नहीं होती। और कंपनी ने गियर सिलेक्शन के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं कि किस टाइम पे कौन सा गियर सेलेक्ट करना है, कैसे क्या ड्राइव करना है, और नीचे वार्निंग भी दी गई है कि कब कौन सी क्या आपको सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी। और इधर कंपनी ने अपने मॉडल के लिए सारी डिटेल्स दी गई है, ट्रैक्टर की कौन सा क्या मॉडल है, इसी नंबर सारी डिटेल्स ट्रैक्टर की दी गई है, पूरी पूरी चीज़ें। अगर हम नीचे उतर के ब्रेक की बात करें, काफ़ी बड़ा काफ़ी हैवी लोहे का एक टूल बॉक्स भी दिया है, काफ़ी अच्छा टूल बॉक्स है, हैवी ड्यूटी टूल बॉक्स है जो कि आपका काफ़ी भारी भारी इसके अंदर आप ये रख सकते हो। अगर हम इसके फ्रंट एक्सल की बात करें, फ्रंट एक्सल काफ़ी मजबूत है, अच्छा मजबूती के साथ एक्सल दिया है फ्रंट एक्सल, अंदर ही साइड भी। और इसका जो फ्रंट टायर है वो टायर 818 का टायर, इसका फ्रंट टायर जो है 818 का टायर है, और ये पावर स्टीयरिंग जो है सिंगल सिलेंडर के साथ, ये पावर स्टीयरिंग है सिंगल सिलेंडर है जो कि पावर स्टीयरिंग। और जो इसका बैटरी बॉक्स है वो काफ़ी स्टाइलिश बैटरी बॉक्स है, एकदम हैवी है, आप खड़ा भी हो खड़े भी हो सकते हो, और साइड में एक मोटरिंग लगाई है ताकि डिजाइन में देते हुए। अगर हम इसके ब्रेक की बात करें तो ऑयल में डूबे हुए ब्रेक है इसके, ऑयल इमिनिस्ट ब्रेक है, सॉरी ऑयल इमिनिस्ट ब्रेक है, और ये पैर वाली रेस है। इधर ये डिफरेंशियल लॉक भी दिया है ताकि आपका ट्रैक्टर जब एक टायर स्लिप करना स्टार्ट कर दे तो आप इसको लॉक करके अपने ट्रैक्टर को ईजिली बाहर निकाल सकते हो। ये लिफ्ट लॉकर, इधर ये गियर लीवर, और ये पार्किंग लीवर भी ये है, पार्किंग लीवर ये हो गया। इधर ये लिफ्टों के लिए आप लिफ्ट अप डाउन कर सकते हो, काफ़ी अच्छे कर रखे। अगर पिछले टायर की बात करें तो 12, 16, 12, 6, 13, 6, 28 का टायर इसके अंदर। और अगर हम इसके लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो ये 1400 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ ही 1400 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ ही। इधर सेंस भी दी गई है, ये लिफ्ट सेंस है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो, ये ऊपर नीचे हार्ड मिट्टी सॉफ्ट मिट्टी के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो सेंस इसकी। और जो हुक है वो काफ़ी लंबा दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी सेट करना, जहाँ भी आप सेट करना चाहते हो वो आप अपना हुक वगैरह सेट कर सकते हो। अगर हम इसके फोर व्हील ड्राइव की सॉफ्ट दिखाएँ, आगे फोर व्हील की सॉफ्ट पट्टे इसकी गियर बॉक्स तक दिखा रहे हैं आपको, ये साफ्ट यहाँ से निकल गए, पिछले गियर बॉक्स से निकल गई, आगे यहाँ कनेक्ट बीच में एक ज्वाइंट देंगे और फिर अगले इसमें एक्सल में पूरी पावर हो जाती है, जो कि इसके ऊपर एक कवर लगाया हुआ है कंपनी ने ताकि घास वगैरह निपटने का कोई, इसके ऊपर चारों तरफ घास वगैरह लगने का निपटने का कोई चांस नहीं है, जिससे आपकी सेफ्टी के लिहाज से कंपनी ने इसके ऊपर वो चीज लगाई है। ये अपना स्टाइल के मामले में नोवा यूओ 575 DI स्टाइल के मामले में, डिजाइन के मामले में।
बहुत ही सेट एक्टर एकदम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको ट्रैक्टर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन पता करनी है तो प्लीज़ आप कंपनी के टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हो रेट वगैरह के कारण। अगर आपको प्राइस का पता करना है तो अपने नियरेस्ट जो डीलर है उसके पास जाके आप ट्रैक्टर का प्राइस भी पता कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।